हैदराबाद में प्रोफेसर द्वारा एक विदेशी छात्रा के यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद शनिवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ने शनिवार को प्रोफेसर रवि रंजन को एक विदेशी छात्रा के यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद निलंबित कर दिया। दरअसल विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हिंदी विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन और एक छात्रा के बीच 2 दिसंबर 2022 को हुई घटना की विश्वविद्यालय निंदा करता है। बता दें कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रा को हिंदी पढ़ाने के बहाने शुक्रवार शाम कैंपस के पास स्थित अपने घर पर बुलाया और शराब पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। बता दें कि पीड़िता थाईलैंड से है और उसने हाल ही में हिंदी मास्टर्स में एडमिशन लिया है। वहीं मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के डायरेक्टर ने भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ IPC की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है और उसे हिरासत में ले लिया है।